एक तरह का है। एक चीज़ और क्या पूछ देता है, दशमलव से पहले अगर ज़्यादा अंक हो, देखिए 3, 4, 5.69, ठीक है, ये है प्लस 3, 12, 7, 8, ठीक है, प्लस 4, नहीं क्या हुआ, यहाँ भी 3 है पॉइंट के पहले, यहाँ भी 3 है पॉइंट के पहले, यहाँ 2 है पॉइंट के पहले। देखिए तो इसको कैसे सेट कीजिएगा और कैसे जोड़िएगा, एक बार इसको भी देख लीजिए, सारा तरह का देख लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको जैसे है सबको उतारते जाइए, ठीक है। 345 है, 0.69 है, ठीक है, यहाँ 312 है, 0.78 है, और वहाँ क्या है 0., यहाँ दो ही डिजिट के बाद है 0., तो यहाँ भी दो ही डिजिट के बाद हमको जहाँ 0., आ जाए वहीं पे सेट करना। मान लीजिए हमको 3.8 रहता, 3.8 रहता तो यहाँ पे 3 हम लिखते, यहाँ 0.8 लिखते, बाकी हमको मतलब ही नहीं है कि कहाँ खाली है, कहाँ भरा हुआ है, नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है, जहाँ पॉइंट है वहाँ पॉइंट पे के पास बैठा देना है, ठीक है। तो खैर मेरा 3.8 है नहीं है, वहाँ पे क्या है 48, 48 पॉइंट से पहले 2 है, तो पॉइंट से पहले 2 लेंगे, 48 पॉइंट जहाँ वहीं रहेगा। अब उसके बाद जितना आगे बढ़े घटे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, जैसे पहले पॉइंट के जो जो 0., के नीचे है बस 0., एकदम 0., एक ही लाइन में रहना चाहिए, कहीं इधर उधर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब 48, 9, 3, 2, 1 प्लस जोड़ देना, हम क्या बोलते हैं जहाँ खाली रहेगा वहाँ 0 बैठा दीजिए, अच्छा लगेगा, नहीं बैठाइएगा फिर भी अच्छा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 0 बैठा दीजिएगा तो आप ही को ईजी होगा, कहीं कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, कहीं देखिए यहाँ नज़र नहीं आ रहा, कहीं 9 के साथ 1 ना जोड़ा जाए, तो इसलिए 0 बैठाइएगा तो अच्छा से नज़र आएगा और अच्छा से काम होगा, ठीक है। देखिए अब अच्छा लग रहा, आप कहीं नहीं, अब सीधा सीधा आपको जोड़ घटाव करना है, जो करना है, यहाँ भी खाली, यहाँ भी 0 बैठा दीजिए, अब जोड़ देना है 1, 2, 9 और 8 17, 17 और 3 20, 20 का 0 हाथ में बचा 2, ठीक है, 7 और 6 13, 13 और 9 22, हाथ में कुछ था 2 था, 24, 24 का 4, 0., का जगह 0., हाथ में कितना बचा 2, 8 5 13 2 15, 15 और हाथ वाला 2 17, 17 का 7, हाथ में बचा 1, ठीक है, 4 4 8 1 9 1 10, 10 का 0, हाथ में बचा 1, 3 3 6 1 7, ये हो गया आपका आंसर, समझ गए। अब थोड़ा घटाव देख लेते हैं 0., ईजी है 0., बस 0., कैसे सेट करना है वही सीखना था, और जोड़ भी जोड़ सीख ही लिए, अब घटाव सीख लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं घटाव का भी। 48.2567 -26.37 ठीक है, घटा लेते हैं इसको थोड़ा, तो आपका 0., घटाव में आएगा, ठीक है। देखिए क्या करते हैं, पहले इसको भी एकदम उसी तरह जैसे प्लस में किए थे, बस खाली जोड़ का जगह घटाव लगा देंगे, और कैसे घटाते हैं, जैसे सिंपल घटाते हैं आप लोग, जैसे 54 में 32 घटाना है,
चार में दो गया दो, पाँच में तीन गया दो, ऐसे घटाते हैं, बस ऐसे ही करना है। अब दशमलव खाली, बस खाली दशमलव की जगह दशमलव बैठाना, और कुछ अंतर नहीं है इसमें। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, कुछ हार्ड नहीं है। देखिए कैसे होगा, 48 लिख दिए, 0.256 लिख दिए, ठीक है। अब माइनस कितना है, 26 है, 26.37 है। फिर कितना है, 2 है, 2.4382 ये है, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, हम क्या बताए थे, दशमलव जहाँ है वहाँ नहीं देखना है, एक डिजिट का है, दो डिजिट का है, कुछ नहीं देखना, एक ही पॉइंट के बाद है यहाँ, तो एक ही पॉइंट के बाद, इधर खाली रहे भरे हमको कोई मतलब नहीं है, दशमलव के सीधा में दशमलव बैठा देना है, ठीक है। ये चीज़ एकदम याद रखिएगा, यही मेन है और कुछ मेन नहीं है इसमें। अब क्या बोले थे, घटाव है, ठीक है, जहाँ खाली है वहाँ जीरो बैठा देना है, ठीक है, जहाँ खाली वहाँ जीरो बैठा देना है, यहाँ भी खाली जीरो बैठा दीजिए। अब घटा दीजिए, यहाँ पे घटाइएगा, चलिए देखिए पहले इसमें क्या करना होगा ना, इसमें देखिए पहले क्या करेंगे, इसको इस पे घटाएंगे, फिर जो ये दोनों का हटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा, जो मेरा आंसर आएगा, अब उसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं, ताकि जैसे करके बताएंगे वैसे आपको समझ में आएगा। तो देखिए क्या है, यहाँ पे क्या 48.256 है, वहाँ पे है क्या 26.37 है, ठीक है, खाली है वहाँ जीरो बैठा दीजिए, माइनस कर दीजिए, सात में जीरो जाएगा इस सात, ठीक है, छः में जीरो जाएगा छः, पाँच में सात जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि पाँच छोटा है सात बड़ा है, तो यहाँ पे पैसा लेना होगा ना, ले लीजिए एक यहाँ से ले लीजिए, 15 हो जाएगा। अब 15 में सात जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक है, यहाँ से एक लिए हैं, ठीक है, यहाँ पे एक है अभी, और एक ये भी छोटा है, तीन बड़ा है, तो ये भी छोटा बड़ा हो जा रहा है, तो छोटा में से बड़ा कैसे घटाइएगा, नहीं घटाइएगा, तो उसके लिए हमको पैंचा लेना होगा अगला से, तो इससे एक पैंचा ले लीजिए, तो ये भजे 11 हो जाएगा, क्योंकि एक इधर दिए थे, तो 11 में से तीन जाएगा तो 8, और यहाँ से एक पैंचा लिए थे तो यहाँ 7 बचा है, 7 में 6 जाएगा 1, 4 में 2 जाएगा 2, इतना आया। ये दोनों को करने के बाद आया मेरा 21.8867, ठीक है, माइनस, अब ये वाला चीज़ लिख दीजिए, 2.4382, ठीक है। अब ये दोनों को घटा दीजिए, 21.86 में उसको घटाना है, ठीक है, यहाँ पे एक ही दशमलव पहले एक ही है, तो यहाँ पे 1 2 लिख दीजिए, दशमलव बैठा दीजिए, बात खत्म। अब जो है उतार दीजिए, 4382 है, 4382 कर दीजिए। अब घटा दीजिए, 7 में 2 गया 5, 16 में 8 गया 8, एक लिए बचा, ठीक है, यहाँ पे बचा 7, 7 में 3 गया तो 4, 8 में 4 गया तो 4। अब यहाँ पे देखिए एक में से दो तो घटा नहीं सकते हैं, क्योंकि एक छोटा है दो बड़ा है, देखिए क्या करना होगा, यहाँ पे एक पैचा ले लेंगे तो हो जाएगा वो कितना, 11 में से दो जाएगा तो 9, यहाँ पे एक पैचा लिए थे तो यहाँ एक ही बचा, तो एक का एक उतार देंगे, ठीक है। हो गया, तो इसका फाइनल आंसर जो होगा 19.44485।
अब कभी कभी पूछ देगा जोड़ घटाव एक ही टर्म में दे देगा आपको, एक ही क्वेश्चन में दोनों मिला के दे देगा दशमलव वाला में। एक ही टर्म में आपको मिला के दे देगा, ठीक है वो भी देख लेते एक। देखिए क्या होगा, 26.8250 ठीक है, प्लस 0.82 माइनस 21.3652। देखिए दोनों मिला हुआ है, जोड़ भी है इसमें घटाव भी है, तब इसमें क्या करना है, इसमें भी एकदम बोर्ड मास वाला काम करना है, उसको एकदम कंसेप्ट है भूलना ही नहीं है, कहीं भी यूज आ जाए, दशमलव में रहे चाहे थी भिन्न में रहे, उसको कुछ नहीं देखना, पहले जिसका काम होगा होगा ठीक है। तो इसमें पहले प्लस का काम होगा माने जोड़ का काम होगा, घटाव से पहले जोड़ का ही काम बताए थे करने, तो पहले ये दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ दीजिए 26.8 ज़्यादा नज़र आएगा आपको 26.8250 ठीक है, उसमें इतने को जोड़ देना है। देखिए पॉइंट की जगह पॉइंट बैठेगा, चाहे इधर एक के डिजिट रहे चाहे नहीं रहे कोई मतलब नहीं हमको, पॉइंट के सीधा में पॉइंट बैठ जाएगा ठीक है, मतलब दशमलव के सीधा में दशमलव को बैठा देंगे। अब दशमलव के इधर बायां साइड कितना डिजिट है, दायां साइड कितना डिजिट है, बस यहाँ से उठा के यहाँ रख देना है, नहीं सोचना है कि दो डिजिट का है एक डिजिट का है ठीक है। तो 82 है, 82 रख दिए ठीक है, अब दोनों को जोड़ दिए, क्या हो गया जोड़ दिए, खाली था जहाँ जहाँ खाली है जीरो बैठा देने बताए थे बैठा दीजिए, 0, 5, 4, 8, 8, 16 का 6 हाथ में 1, 6, 1, 7, 2 ठीक है। देखिए दशमलव के बाद एक जीरो है, लास्ट में जीरो रहेगा तभी उसको हटा सकते हैं, अगर मान लीजिए बीच में जीरो आ गया जैसे यहाँ पर रहता 27.6405 रहता, तो ये सबका वैल्यू है ठीक है, हम बोल रहे हैं कि लास्ट में जीरो, जैसे 27.6450 है ना, तो लास्ट में जीरो है, दशमलव के बाद जीरो, इसको नए भी लिख सकते हैं, और कहीं कहीं ऑप्शन में आपको ऐसा ही दे देगा, आपका आंसर आ रहा है इतना ऑप्शन में ये देगा आपको 27.6405, तो आप बोलिएगा जीरो कहाँ गया, तो जीरो को हटा देना दशमलव के बाद ठीक है, तो यही आंसर दोनों इक्वल है, कभी कभी आपसे पूछ देता है, तो ये चीज़ हम आपको बता दिए। चलिए अब इतना आ गया आंसर ठीक है, तो क्या हम इस ये दोनों के जगह इतना लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, लिख दीजिए 27.6450 ठीक है, माइनस 21.3652 ठीक है, अब इसको घटाना है तो घटाना है तो घटा दीजिए 27.6450 इसमें 21 घटाइएगा आप कितना 3652 ठीक है, अब क्या हो गया घटाना है ठीक है, यहाँ जीरो है यहाँ दो है तो नहीं होगा, पहचान लेंगे ठीक है, ले लीजिए एक लिए 10 हो गया, 10 में से दो जाएगा 8 होगा, एक लिए पहचान यहाँ पे हो गया 4, नीचे हो गया 5, तो ऊपर हो गया छोटा नीचे हो गया बड़ा, तो होगा नहीं होगा, एक पैचा ले लेंगे तो एक पैचा ले लेंगे तो हो जाएगा कितना 4 को 4 में एक पैचा ले लेंगे तो हो जाएगा 14 ठीक है, अब 14 में से 5 घटाना है तो 5 घटा दीजिए 9 होगा ठीक है, अब यहाँ से लिए तो एक पैचा तो यहाँ पर हो गया 3, ऊपर भी छोटा नीचे बड़ा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा मतलब नहीं घट रहा, तो नहीं घटने कंडीशन में पैचा लिया जाता है ठीक है, ले लीजिए देखिए 14 में से 5 लिया था 9 हुआ ठीक है, एक लिए था पैचा या 3 बचा था, अब 3 में एक पैचा लेंगे तो 13 होगा, 13 में से 6 जाएगा, 13 में से 6 जाएगा तो 7 हम लिख दीजिए, यहाँ से लिए थे एक पैचा यहाँ बचा 5, 5 में एक 3 जाएगा घट जाएगा 5 में 3 2, पॉइंट के जगह पॉइंट बैठा दिए 7 में 1 जाएगा 6, 2 में 2 जाएगा 0
ठीक है, हो गया, ये हो गया आपका आंसर। जीरो को नहीं भी लिखिएगा चलेगा, आगे जीरो मतलब कोई थी नहीं, मान ले फिर नहीं लिखते हैं 01, 02, 03, ये सब कहीं देखिएगा सीरियल नंबर लिखा रहता है, तो यहाँ पे 1 2 3 एक ही बराबर है, बस वही खेला है यहाँ पे। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए 6.2798 आंसर हो गया। ठीक है, ये तो हो गया मिला के जो दे देता है। अब थोड़ा सीख लीजिए गुना और भागा, ठीक है, इतना प्रैक्टिस कीजिए जितना बताए हैं, क्वेश्चन उठाइए एकदम इसी तरह बैठा बैठा के जोड़ घटाव कीजिए, कभी आंसर गलत नहीं आएगा। हम देख लीजिए गुना पूछ देता है कभी कभी, बड़ा बड़ा गुना तो नहीं पूछेगा, जानता है कि बच्चा 6 क्लास का है, वो क्वेश्चन जो सेट करेगा वो तो उसको तो पता है, टाइम भी कम है, बड़ा बड़ा गुना पूछेगा ही नहीं, तो ना आपको ज़रूरत है शॉर्टकट ट्रिक का, जैसे करते हैं वैसे ही कीजिए, अभी आपका स्टार्टिंग पीरियड है, अभी उसी तरह ही कीजिए बस, फिर बाद में ऑटोमेटिक सीख जाइएगा कैसे होता है नहीं होता है। तो देखिए कैसे होगा, दशमलव का गुना सबको दे दिया, 0.5 × 0.3 × 0.6 × 0.12, ठीक है ये आपको गुना हो गया। देखिए गुना करना है तो सब तो गुना में है, कहीं अब कुछ सोचना ही नहीं, बोर्ड मास क्या होता है, सब गुना में है, जोड़ घटाओ भाग कहीं मिला हुआ है नहीं मिला हुआ है, सब गुना में है, सबको गुना कर दीजिए। अब देखिए दशमलव गुना है, 0.5 है, 0.3 है, 0.6 है, 0.12 है, ठीक है। हाँ एक चीज़ और बता दें, दशमलव के बाद जो पढ़ते हैं ना संख्या को, जैसे दशमलव के बाद ये नहीं बोलेंगे दशमलव के बाद 12 34 है या 1234, ऐसा नहीं, दशमलव के बाद एक 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 संख्या करके पढ़ते हैं, एक एक अंक करके, जैसे दशमलव के बाद 1 2 3 4 है, ऐसे पढ़िएगा, ये नहीं बोल दीजिए 1234 है या 1234 है या 123 4 है, ये सब कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। ये सब तरीका होगा पढ़ने, कोई आपसे पूछ देगा कि इसको पढ़ के बताओ, तो आपको बताना है 0.1234, ठीक है, क्लियर। हाँ तो अब क्या बोलते हैं दशमलव वाला गुना, ठीक है, इसमें क्या करना है ना आपको, अब देखिए गुना कर रहे हैं, ठीक है, गुना तो कर दीजिएगा, हमको ही पता है गुना कर दीजिए, लेकिन बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूजन होता है दशमलव कहाँ बैठेगा, कैसे गुना करे जो दशमलव सही बैठ जाए, बहुत सारे बच्चे दशमलव बैठाने में ही गलती कर देते हैं, तो बस उसका एकदम क्लियर कंसेप्ट हम बता रहे हैं, कुछ नहीं एकदम हल्का है, मत देखिए क्या है, सबको गुना करिए, पहले सबको समझिए दशमलव कहीं नहीं है, पूरा अंक समझ लीजिए, जैसे आप 0.5 को 0.5 समझ लीजिए, मतलब 5 समझ लीजिए, ठीक है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 समझ लीजिए, यहाँ पे 6 समझ लीजिए, यहाँ पे 12 समझ लीजिए, खाली डिजिट को, जीरो और दशमलव को मत समझिए कुछ है, ठीक है, थोड़ा देर के लिए बस। तो मान लीजिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, चाहे वो दशमलव के बाद रहे, दशमलव से पहले रहे, 0.0 को एकदम भूल जाना है, ठीक है, तो यहाँ पे 5 है, 3 है, 6 है, 12 है, इतना समझ लेना अभी खाली, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो 5 × 15, ठीक है, 15 देखिए 5 × 15 15 × 90, यहाँ पे 90 लिख दीजिए, ठीक, और 90 को 12 से गुना करना है, तो गुना करने तो आपको आता ही होगा, कर देते हैं 12 से गुना, तो 2 से 0 9 × 2 = 18, ठीक है, गुना 0 9, ठीक है, 0 8 10, 1080 आ रहा, ठीक है, अब 1080 आ रहा है तो 1080 लिख दीजिए आराम से, 1080 जितना आया सबको गुना करके लिख दीजिए दशमलव भी। अब देखिए दशमलव कहाँ बैठेगा, कैसे बैठेगा, देखिए अब इधर से सब जोड़ते जाना है, कितना डिजिट बाद दशमलव है, 1 2 3 4 5, 5 10 5 अंक के बाद दशमलव है, क्या कि सबको गुना किए ना, जैसे ये दोनों गुना करते, मान लीजिए खाली यही दोनों को गुना करते, ठीक है, मान लीजिए खाली इसी दोनों को गुना करते, तो 5 × 15 तो 15 लिख देते, अब यहाँ क्या है, एक बार दो बार, दो अंक के बाद है, तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे तो चारों को गुना किए ना, तो चारों को जोड़ेंगे,
एक अंक, दो अंक, तीन अंक, चार अंक, पांच अंक, पांच अंक के बाद जीरो बैठा देना है इधर से जोड़ के, ठीक है, एकदम सीधे, एकदम ईजी है। तो एक अंक, दो अंक, तीन अंक, चार अंक, चार ही अंक है, हमको पांच अंक बैठाना है, तो यहाँ पे पांचवा अंक के का जीरो बैठा दीजिए, हो गया पांच अंक। एक अंक, दो अंक, तीन अंक, चार अंक, पाँच, पाँच अंक हो गया। अब पाँच अंक के बाद एक दशमलव बैठा दीजिए। अब आगे जीरो लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, लगा दीजिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये आपका आंसर हुआ। क्या अब देखिए इसमें कहीं लफड़ा हुआ दशमलव कहाँ? बहुत बच्चे ऐसे परेशान हो रहे हैं कि 0.5 पूछ दिए, 0.3 गुना करना है, 5 3 या 15, कैसे अब दशमलव कहाँ बैठाएं, कन्फ्यूजन बहुत रहता है। तो वहाँ पे दशमलव को एकदम भूल जाना है, ठीक है, थोड़ा देर के लिए। अब जितना है सबको गुना कर देंगे और उधर से जोड़ लेंगे, कितना अंक के बाद दशमलव है उतना अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। तो यहाँ पे जोड़ने पे पाँच आ रहा था, पाँच अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे मेरा चार ही संख्या आंसर आ रहा था, 10 80, जो आंसर आया चार ही अंक का है। तो अब क्या किए, जहाँ घटेगा, मान लीजिए 6 अंक आता तो 2 को 0 बैठा दे 10 80 के आगे, तब होता 6 अंक मेरा, फिर यहाँ पे दशमलव बैठाते तो ऐसे ही होता, ठीक है। यहाँ पे 5 ही अंक था तो 1 ही 0 बैठा है। देखिए एकदम इजी है, और क्वेश्चन कीजिएगा, हम जो होमवर्क देंगे। अब देखिए दशमलव का भाग कैसे होता है, दशमलव का भाग एक बार सीख लीजिए। जीरो दशमलव तीन भागा, नौ, ठीक है। यहाँ मैं मान लीजिए कि 3 है, ठीक है। अब इसको हमको भागा देना है, तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0.3, 0.93 आज लिख सकते हैं। इसका मतलब भी बटे होता है, इसका मतलब भागे होता है, इसको बटा बोलते हैं, ठीक है। तो जब ऐसे लिख दिया, अब इसको भागा करना है, कैसे करें, पॉइंट भी है, किसको कैसे काटें, क्या करें, किसको डिवाइड करें। यहाँ दो अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक है। तो इसमें क्या होता है ना, पहले पॉइंट को हटा दीजिए, और पॉइंट को हटाने के बाद क्या होता है, कैसे होता है, देखिए यहाँ पॉइंट को हटा दीजिए, मान लीजिए, ठीक है, हटा दीजिए। यहाँ पॉइंट के बाद कितना है, 1 अंक है, 3, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद कितना है, 1 अंक है, ठीक है, 1 0 लगा दीजिए नीचे, पॉइंट हट गया। पॉइंट हटाने का यही मतलब, पॉइंट पॉइंट को हटाना है, पॉइंट को हटाइएगा, नीचे 0 बैठा दीजिए। अब यहाँ पे पॉइंट हटाइएगा, मान लीजिए पॉइंट के बाद कितना है, 2, 2 डिजिट ना पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे 2 को 0 बैठ जाएगा। अब ये टोटल हो गया मेरा पे 300 930, ये हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, 0 0 कट जाएगा, ठीक है, 0 0 कट गया, 0 अति 10 10 बार में कटेगा 3 से, ये 3 2 3 और 1, तो ये मेरा आंसर कितना आ गया, 10/31, 10/31 आ गया। तो 31 को अब 10 से भागा देना है, 31 को 10 से भागा देना है, तो यहाँ पे भागा होगा नहीं, छोटा है तो दशमलव बैठाना होगा, तो 1 दशमलव बैठा देंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। अब 0 आ गया तो देखिए क्या होगा, तो 31 3 अभी किए थे 93, 7 31 2 62, 8, ठीक है। फिर अब 0 बैठाना होगा, फिर 31 2 62, 18 आया, फिर 180 आ जाएगा। तो आप कितना और में दीजिएगा, 5 6 3 18,
183 हो जाएगा, 5 बार में देंगे। फिर इसी तरह जो आंसर आएगा यही होगा आंसर, ठीक है आपका, और आगे जो भागा देते रहेंगे। लेकिन इतना लंबा आपको पूछेगा नहीं, हम समझाने के लिए एग्जांपल लिए थे, ठीक है। इतना लंबा डिवाइड वाला आपसे पूछेगा नहीं, वो ऐसा पूछेगा जो एकदम कट जाए, ठीक है। तो भागा के केस में क्या करना है, जैसे यहाँ पे है 0.4, ठीक है, 0.12 है, ठीक है, भागा 0.3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.12/0.3, ठीक है, लिख सकते हैं। तो इसमें अब ऐसे कैसे काट दिएगा 3 चौके 12, ऐसे तो नहीं काटिएगा, फिर पॉइंट यहाँ पे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, ठीक है। तो पहले दशमलव को हटा देंगे, इसमें दशमलव को हटाइए, हटाएंगे तो इसके बाद कितना जीरो है, जैसे मान लीजिए आपको बोल देगा कि 0.25 को आपको भिन्न में लिखना है, ठीक है, बोल देगा भिन्न में लिखना है, इसको भिन्न में लिखना है, ठीक है। तो अब कैसे लिखेगा, अब इसको भी मैंने दशमलव को हटाना है, भिन्न में लिखना मत, दशमलव को हटाना है, ठीक है। दशमलव कैसे हटाइएगा, 0.25 है तो पॉइंट को हटा दीजिए, अब पॉइंट के नीचे एक, पॉइंट के जगह एक लिखना है, अब पॉइंट को हटाएंगे तो उसके बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 को 0 लिखा देंगे। यहाँ पे अगर 3 डिजिट है 3 जीरो लगाते, यहाँ पे 2 ही है तो 2 हो गया, मतलब 25/100 हो गया मेरा, इसको काटेंगे 1/4 आ जाएगा मेरा, बोलेगा दशमलव को इसमें हटाइए, भिन्न में लाइए, तो ऐसे हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसी तरह तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्या होगा, दशमलव हटाएंगे या दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो 2 और 0, ठीक है। अब नीचे से दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 1 ही डिजिट था, तो 0 तो बाद में आया ना, एक ही डिजिट था, तो 1 0 यहाँ लगा देंगे, तो अब टोटल कितना हो जाएगा, 120/300, 1 0 काटा, 1 0 काटा, ठीक है, अब काटना है हमको 30 है ना, यहाँ कितना हो जाएगा, 6 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 दहा हो जाएगा, 3 दुनी हो जाएगा, 3 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 2/5 आ गया आंसर मेरा, अब इसको डिवाइड कर दीजिए, नहीं हो रहा है, पॉइंट लगाते हैं 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 20 कट जाएगा, तो 0.4 आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे भागा देना, भागा वाला केस में भागा को हटा देना है, दशमलव को हटा देना, पहले दशमलव हटा दीजिए, काम आपका आसान हो जाएगा, ये तो कन्फ्यूज हो जाइए कहाँ दशमलव देना है नहीं देना है, दशमलव को हटा के काम कीजिए एकदम जैसे सिंपल करते हैं। एक चीज़ और बता देते हैं, जैसे हम लोग भागा में क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं 2 से 3 से, तो इसमें क्या होता है ना, काटने वाला में बहुत बच्चे परेशान होते हैं कैसे काटे, जैसे 20/15, ठीक है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 2 बार में 10 कट रहा है, 3 बार में 5 कट रहा है, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों को अलग अलग से नहीं काट सकते, दोनों को एक ही, अगर ऊपर वाला को 2 से काटे तो नीचे वाला भी 2 से काटना चाहिए, तभी काटिए, नहीं तो नहीं कट। मान लीजिए यहाँ पे 20 रहता, यहाँ पे 30 रहता, हाँ तो काट सकते थे, 2 से ऊपर काटे तो 2 से नीचे भी काट सकते, यही रूल है, जितना ऊपर काटे उतना ही से नीचे भी करना चाहिए, तभी काटिए। तो यहाँ पे नहीं कट रहा था 2 से, 3 से भी दोनों नहीं कट रहा, एक ही कट रहा, 15 कट रहा, 4 से
चार से एक ही कट रहा, फिर 15 नहीं कट रहा, तो 5 से आइए, तो 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। अब कटता कैसे है उसका भी थोड़ा नियम जान लीजिए। आपके यहाँ 5 तक ही जानिए डिविजुअल कैसे होता है। तो 2 से कटने का नियम क्या होता है? किसी भी संख्या को 2 से काटना है तो उसका नियम क्या होगा? मान लीजिए इस संख्या n है, ठीक है, n बाई 2, यहाँ पे कुछ भी संख्या, तो उसको 2 से काटने का नियम क्या है देख लीजिए। या तो लास्ट में, मैंने कि अंतिम संख्या, अंतिम अंक या तो 0 हो या तो 2, या तो इसको सम संख्या ही बोल सकते हैं, या तो 0 हो या तो सम संख्या, ठीक है, ये होता है उसका कटने का नियम 2 से। 3 से क्या होता है? 3 से होता है ना कि सारा संख्या को जोड़ के, अब वो 3 से कट रहा है कि नहीं, n बाई 3 का केस में, 3 n के जगह कोई नंबर है उसको 3 से हमको काटना है, तो 3 से कैसे कटेगा? मान लीजिए बड़ा संख्या है 10, ये 10 3 है, अब इसको 3 से काटना है, तो पहले हमको पता करना है ना 3 से कट रहा है कि नहीं, नहीं तो 3 से डिवाइड देंगे तो कट जाएगा, वो तो लंबा हो जाएगा थोड़ा, लेकिन आपके पास टाइम भी तो कम रहेगा। यहाँ पर देखिए इसको क्या है, जोड़ना है, हम क्या बताए थे, सारा टर्न को जोड़ लीजिए, अब जितना जोड़ के जो आएगा जो आंसर उस वो 3 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़िए, यहाँ पे 3 2 5 1 6, क्या 6 3 से कट रहा है? हाँ जी कट रहा है, 3 से कट रहा है 6, 2 आंसर, ठीक है, तो कट रहा है, तो हाँ बस समझ जाएंगे ये टर्म 3 से कट रहा है, मतलब जितना जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा, जो उत्तर आएगा मेरा, ठीक है। अब क्या वो 3 से विभाजित हो रहा है? अगर हो रहा है तो पूरा टर्म कटेगा, नहीं हो रहा है तो पूरा टर्म 3 से नहीं कटेगा, बस सिंपल सा समझना है। तो 3 से देखिए कैसे कटेगा, 3 3 9 1 बजेगा, 3 4 12 3 141 बार में कट जाएगा, ठीक है।